मेरा भी सपना है कि मैं भी कनाडा जाऊं, तो इस सब की वजह से थोड़ा सा मन में डर है। जो बच्चे हैं काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है कनाडा में, है ना, GIC वगैरह डबल हो चुकी है, तो काफ़ी हैं बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं कनाडा की साइड से। जो तनाव बड़ा है भारत और कनाडा के बीच में, जो राजनीतिक तनाव है, इसका असर पड़ेगा स्टूडेंट्स के नंबर्स पे? उधर जाने से बचेंगे या कुछ ऐसा दिखेगा? अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूं इस पे, तो मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट के लिए कोई भी किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज जिसने पढ़ना है वो किसी भी कंट्री में कहीं पर भी पढ़ सकता है। बट लेकिन सम हाउ अगर कहीं, जैसे पंजाब में ऑलमोस्ट सबको क्रेज़ है कनाडा जाने का, तो कनाडा के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा के वीज़ाज लग रहे हैं, बट लेकिन कुछ गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही। देखा कि भारत और कनाडा के बीच में काफ़ी दिनों से तनाव चल रहा है, कल ये बढ़ा भी है, तो क्या इसका असर जो वीज़ा कंसल्टेंट है, जो स्टूडेंट्स हैं जो कनाडा जा रही हैं जाएंगी, उन पर असर पड़ता हुआ देख रही हैं आप? हाँ जी, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कनाडा की प्रोफाइल्स आती है, लेकिन जो बच्चे हैं काफ़ी नेगेटिव हो रहे हैं, क्योंकि आजकल बहुत चल रहा है कनाडा में, है ना, GIC वगैरह डबल हो चुकी है, तो काफ़ी हैं बच्चे नेगेटिव हो रहे हैं कनाडा की साइड से। तो अब चल रहा है थोड़ा बहुत इशू, तो बच्चे हैं मोल्ड हो जाते हैं दूसरी कंट्री में, जैसे यूरोप है, UK है ना, तो ये काफ़ी दिक्कत आ रही है अभी कनाडा के लिए। तो जो जो अभी पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं उसके वजह से भी स्टूडेंट्स पे असर पड़ेगा, आप देख रही हैं इन सब चीज़ों को, या ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में? मे बी अभी तो थोड़ा बहुत है, जैसे वर्क बच्चों को नहीं मिल रहा, थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को, तो मे बी आगे जाके ये दिक्कत नहीं आएगी, है ना, बच्चों को थोड़े चेंजेस वगैरह तो आते हैं। कनाडा और इंडिया के बीच में जो क्लैश चल रहा है, पॉलिटिकल क्लैश चल रहा है, उससे क्या असर देख रही हैं अपने आने वाले टाइम पे कनाडा? मेरे सारे फ्रेंड्स कनाडा में रहते हैं और मेरा भी सपना है कि मैं भी कनाडा जाऊँ, तो इस सब की वजह से थोड़ा सा मन में डर है। बट जैसे हमारे कंपनी वाले जिनसे हम वीज़ा लगवा रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि इसमें डरने वाली बात नहीं है, कि ये ठीक हो जाता है थोड़े टाइम में, बट फिर भी जब बात आपकी लाइफ की हो तो आप थोड़ा बहुत डर जाते हो। पॉलिटिकल हैपनिंग से कितना कुछ डर है आपको? आपको लग रहा है आने वाले टाइम में चीज़ें दो देश मिलकर ठीक कर लेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपके जैसे स्टूडेंट्स को दिक्कत ना आए? प्रॉब्लम्स तो थोड़ी बहुत ही आती रहती है, बट आई थिंक कि प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी इंडिया और कनाडा की, मतलब बातचीत ठीक रही है हमेशा से, वो थोड़ी बहुत ही होगी, आई गेस वो ठीक हो जाएगी।